मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू सैम्पल टेस्ट पेपर 1। जो ये सैम्पल टेस्ट पेपर है, इसमें चैप्टर 1 to 4 तक कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 5 digit number इज, स्मॉलेस्ट 5 digit number कौन सा है यहाँ इसमें से? स्मॉलेस्ट 5 digit number हैं, देखो, एक तो 1 और 1 के साथ है 40, और सेकेंड ऑप्शन है 5 times 9, और थर्ड ऑप्शन है 5 times 1। जो स्मॉलेस्ट 5 digit number होगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1। 1 के साथ जो है हमारी 40, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो 9 में चलता है, और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 3511 को किससे मल्टीप्लाई करें। 3511 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपका ये आंसर आए। इसको ध्यान से देखो, ये सेम ऐसे ही है, इसके साथ सिर्फ 0 लगी हुई है। मींस इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 100 से। यहाँ पे 1000 है, यहाँ 100 है, या 10 है, तो यहाँ पीछे 2 0 है। मींस इस नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 100 से, तो आंसर इज़ 100। नेक्स्ट वन इज़ द रोमन न्यूमिरल फॉर 28 इज़। 28 का रोमन न्यूमिरल आपको बताना है। देखो, कर देखते हैं, 10 10 20 और 5 25 और 2 27, 10 10 20 और 4 24, 10 10 20 और 5 25 और 3 28। आंसर इज़ ये, ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ 125 multiply 100। अगर 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो, से जब हम किसी भी नंबर को 10 100,000 से मल्टी या 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी नंबर के साथ उतनी ज़ीरो ऐड हो जाती हैं पीछे। देखो, 125 को 100 से करना है, ठीक है। 125 को क्या करना है, 100 से, तो 125 के पीछे 2 0 हम क्या कर देंगे, ऐड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, इसमें क्या है, 37480 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा। 37480 में 0 प्लस करोगे तो ये सेम ही आंसर आएगा, 37480। बी पार्ट देखो, 27480 प्लस 4211 इक्वल 4211। देखो, यहाँ पे ये है, ये 2 है, और यहाँ पे ये है, तो मतलब क्या मिसिंग है, 27480, ठीक है। आपको ये देखना है, ये 2 हैं, यहाँ पे 1 गिवन है, तो जो मिसिंग है वो आपको यहाँ फिलअप में फिल करना है। द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 digit number इज, स्मॉलेस्ट 6 digit number क्या होगा, 1 के साथ 50। सक्सेसर में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100001। नेक्स्ट वन डी पार्ट इज़ 1 lakh इज सेम एज। 1 lakh को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के साथ 50 आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 lakh। देखो, 1s, 10s, 100s, 10,000, 10,000 lakh, क्या बन गया ये, 1 lakh, ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। राइट करना है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको फर्स्ट वन में ये बताना है ग्रेटर कौन सा है। वो ये कह रहा है ये वाला नंबर ग्रेटर है इससे, तो आप खुद से देखो, ये वाला नंबर ग्रेटर है, नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। बी पार्ट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू बताना है, प्ले 3 कहाँ पर है। देखो, वो बोल रहा है 3 की प्लेस वैल्यू 3000 है, 3 कोई 1000 प्लेस पर है। देखो, 1s, 10s, 100s, 10,000 lakh, नहीं तो 3000 प्लेस पे तो है ही नहीं वो, तो ये क्या आंसर आएगा, फॉल्स। 9 10,000 9 10,000 9 10,000, मतलब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 90। 10 की साउंड आ रही, 9 10 90, 1000 में 30, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 9 10,000, यही बनेगा, 1000 की 30, 9 10 मीन्स 90, तो आंसर इज ट्रू। ये पूछ रहा है, ये 49 है, 10 20 30 और 39, नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन, पुट द करेक्ट साइन। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, आपको देखना है। देखो, दोनों की बिगनिंग वाली जो नंबर डिजिट्स हैं वो सेम है, या 814 है या 914 है, तो ग्रेटर क्या है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, दोनों में से ग्रेटर बताना, इन दोनों को प्लस करना है, और ये अब देखो क्या आंसर है। देखो, यहाँ पे मैंने इस नंबर को 100 से प्लस किया,
74,847 को 100 में प्लस करोगे तो क्या आएगा, 74,947 और ये क्या 84,847, तो विच वन इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर हुआ, 84,847। नेक्स्ट वन इज़ जब आप इसे 6,312 में 1,136 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7,448 और ये भी क्या है 7,448, तो आंसर क्या आएगा इक्वल का साइन। विच वन इज़ ग्रेटर, 10, 20, 30 और 33, ये 32 है, तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। ये आपको अपना सैम्पल टेस्ट पेपर बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।